आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज, मैं हूं शिव कुमार मिश्रा। आज हम अपने एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवाते हैं जिनके बारे में सुनकर आप वाकई हैरान होंगे। आज हम मानव व्यवहार संबद्ध एवं विज्ञान संस्थान एवास में बैठे हुए हैं और यहाँ के अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर निमेश जी देसाई से पूछते हैं इस अस्पताल के बारे में, क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी बीमारी होती है दिमाग जनित बीमारी, उसका इलाज इस अस्पताल में होता है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर, आप इस अस्पताल की जिम्मेदारी पिछले 8 साल से लगातार संभाल रहे हैं, तो सच्चाई ये है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या क्या चुनौतियाँ थी जो आपने 8 साल में फेस की और अस्पताल में बदलाव लाए? आपका सवाल बजा है, मुनासिब है, लेकिन तथ्य की बात ये भी है कि मुझे इस दिसंबर में 2018 में हो गए करीब 20 साल यहाँ पे। जी। मैं आया था यहाँ 1998 दिसंबर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से सीनियर पोस्ट छोड़ के, तो निमहांस बैंगलोर और एम्स जैसे दो बड़े संस्थान में काम करके मुझे ये लगा था, जो आपने बात कही चुनौती की, कि एक बड़े संस्थान में अच्छा काम करना एक संतोष होता है, दूसरा संतोष जीवन में बन सकता है जनसेवा का, अगर हम नए संस्थान को नए अस्पताल को डेवलप करने में मदद करें। तो 12 साल तक मैं था नंबर 2 मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और डायरेक्टर हमारे डॉक्टर साथी और होते थे, तो सच कहें चैलेंजेस उन 12 सालों में ज़्यादा रही, इन 8 सालों में भी रही है, तो पूरे मिलके इन 20 सालों में और 8 साल के निदेशक के पद में चुनौतियाँ हमेशा होती हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों, लेकिन चुनौतियों को ज़्यादा याद ना करके मैं ये बात आपके जरिए दर्शकों तक पहुँचाना ये चाहता हूँ कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि जैसे 70-80 के दशक से शुरू हुआ था एक मूवमेंट, वो फिर थोड़ा ठंडा हो गया था, 21वीं सदी में और चल पड़ा है, भारतवर्ष में और दक्षिण एशिया में, हो सकता है विश्व भर में, जो पुराने मेंटल हॉस्पिटल थे उनको बदल के अपग्रेड करके मॉडर्न मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाया जाए। एक मिनट का समय ये ले कि पुराने वक्त में ये होता था 100-150 साल पहले कि अगर गंभीर मानसिक रोगी है, जिसको समाज पागलपन कहता है, हम ये शब्द मुनासिब नहीं समझते, तो जिनको गंभीर मानसिक बीमारी हो उनको मेंटल हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट जेल की तरह रख दिया जाता था जी। तो ये कस्टोडियल ट्रीटमेंट होता था। तो वैज्ञानिक सोच बदली, कानूनी सोच बदली, प्रशासनिक सोच बदली, हालांकि बहुत सारे जगहों पे अभी तक ये हो नहीं पाया, बदनसीबी की बात है। निमहांस बैंगलोर भी एक पुराना मेंटल हॉस्पिटल है जी। जो 1954 में इंस्टीट्यूट बन गया जी। तो उनको 50-70 साल की एडवांटेज है। रांची, आगरा, ग्वालियर में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो वो जो बदलाव है, वो जो सुधार है मेंटल हेल्थ सेक्टर में, पूरे मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासकर मेंटल हॉस्पिटल जो पुराने होते थे, उसका एक भाग है ये कहानी। हम 50 साल कंप्लीट कर रहे हैं अस्पताल बतौर अस्पताल, 67-68 में ये अस्पताल बना बतौर मेंटल हॉस्पिटल, 25 साल बाद 93-94 में जाकर ये इबास बन गया जी। तो हमारी रजत जयंती है इबास की और स्वर्ण जयंती है अस्पताल की। मुझे खुद 20 साल यहाँ हो गए, मेरे 40 साल के प्रोफेशनल कार्य जीवन काल में आधा समय मैंने यहीं बिताया, तो जाहिर है बहुत लगाव है, लगन से काम किया है, लगाव है। ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो 20-25 साल के छोटे से अंतराल में, एक संस्थान के जीवन काल में देखें तो 20-25 साल की बहुत लंबा समय नहीं होता। एम्स, निमहांस, पीजीआई जैसे संस्थानों को भी बनने में 50-60 साल लग जाते हैं। इस 20-25 साल के छोटे से अंतराल में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा मैंडेट था, जो हमारा दायित्व था कि पुराने मेंटल हॉस्पिटल को बदल के आधुनिक नैतिक रूप से मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में सही इलाज हो, वैज्ञानिक रूप से बेस्ट इलाज संभव हो जो दुनिया में, वो मरीजों को मिले, गरीब से गरीब जनता को मिले, ये मेरा कहना भी अकेले मुनासिब नहीं है कि ये पूर्णतः हो पाया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ये 2-3 बार कहा, आखिर में जाकर कहा 2010 में और 2015 में भी, कि इबास ने अपना मैंडेट पूरा कर लिया है कि अब ये वन ऑफ द बेस्ट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जी। एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि 2 मिनट के लिए गौर करें, हमारे दर्शकों को जानकारी वैज्ञानिक और भी मिले, मानसिक बीमारी होती है, स्किजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, तनाव की बीमारी हो, ओसीडी हो,
जो मन की बीमारियां हैं, दूसरी होती है दिमाग की बीमारियां, ब्रेन की, पार्किंसंस, डिमेंशिया, लकवा मार जाए, है ना, स्ट्रोक हो जाए, एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी है। तो मन की बीमारी को निदान करना, इलाज करना बिना न्यूरोलॉजी के, बिना दिमागी बीमारियों के अधूरा सा रहता है जी। तो निमैंस बैंगलोर और रिवास, ये दो ही संस्थान हैं पूरे देश में जो इन दोनों को संलग्न रूप से देखते हैं, मन की बीमारी और दिमाग की बीमारी। तो हमारा स्लोगन हमने बनाया करीब 8 साल पहले जब मैं इस ऑफिस में आया, ब्रेन माइंड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को, परिवार को लगे कि मुझे ब्रेन या माइंड की प्रॉब्लम है तो यहाँ आए। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो सारी सेवाएं हैं आधुनिकता और पूरी तरह से कानूनी और नैतिक रूप से मुनासिब ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क में वो सही तरीके से मिले, न सिर्फ मध्यम वर्ग को लेकिन गरीब से गरीब जनता को, जो सबसे नीचा टपका है समाज का आर्थिक रूप से, उनको ये सारा इलाज पूरी तरह मुफ्त में मिल रहा है। दुनिया भर में कोई दवाई साइकियाट्री या न्यूरोलॉजी की ऐसी नहीं है जो हम यहाँ गरीब से गरीब मरीज को सरकारी खर्च पे प्रोवाइड नहीं करते। संभव नहीं है कि किसी को दवाई की तकलीफ किसी भी प्रकार की हो। तीसरा मुद्दा यह है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जैसे ISI का मार्क हम सब जानते हैं, प्रोडक्ट्स में, मार्केट प्रोडक्ट्स में ISI मार्क होता है, वैसे ही एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके तहत NABH है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। तो 2012 में जब हमने NABH एक्रेडिटेशन हासिल किया तो पूरे देश में सिर्फ 15 सरकारी अस्पताल थे जिनको NABH एक्रेडिटेशन था, और मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजी का प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में ये पहला अस्पताल था। अक्सर ये कारण या बहाना बन जाता है सरकारी अस्पतालों में, बड़े से बड़े सरकारी अस्पतालों में, कि जी हम कैसे क्वालिटी एश्योर करें क्योंकि हमारे पास तो जनता बहुत है, तो जहाँ भीड़ है, क्वांटिटी है, वहाँ क्वालिटी एश्योर नहीं हो सकती जी। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि ये काफ़ी हद तक गलत है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी एश्योर होनी चाहिए। यही तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्वालिटी क्वांटिटी के साथ ही नियत होगी तभी कुछ ग्रोथ होगी, और ये मेरा विश्वास रहा है जो मेरे साथियों ने मदद की, क्वालिटी एश्योर्ड है आज। दूसरी बात ये भी है कि दूसरे शारीरिक स्वास्थ्य की तकलीफों के मुकाबले मानसिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य के अस्पतालों को और मरीजों को कम ध्यान दिया जाता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस मेरे लिए वो भी एक जिहाद सी थी कि एक तो गरीब से गरीब जनता को मिले और जो मानसिक रोगी है गरीब से गरीब वर्ग का, उसे वो क्वालिटी एश्योरेंस मिले। तो ये बड़ा संतोष है। छोटे मोटे मुद्दे बहुत हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि अस्पताल परफेक्शन में है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, अभी भी त्रुटियां हैं, होंगी, हो सकता है कुछ कंज्यूमर्स, कुछ उपभोक्ता, कुछ मरीज निराश या दुखी होकर वापस आते हों। सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है ये है कि हमें इस बात का एहसास है, लगातार प्रयत्न हो कि हम सेवाओं को और सेवाओं की डिलीवरी को हम इम्प्रूव करते पाएँ और लोगों के फीडबैक को सुने। तो क्वालिटी एश्योरेंस का सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि क्वालिटी आज एश्योर्ड है लेकिन हम लगातार उसको इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं जी। तो ये संतोष है न सिर्फ मेरे लिए निजी रूप से लेकिन पूरे अस्पताल के लिए, दिल्ली की और उत्तर भारत की जनता के लिए एक अच्छी सुविधा है। आपके जरिए दर्शकों को ये भी मैसेज पहुंचाना जरूरी है कि आज हमारा एडमिशन रेट 1% से कम है। तो गंभीर से गंभीर मानसिक बीमारी बिना एडमिशन के, बिना दाखिले के, घर पे रह के OPD से हो सकती है और हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। दुनिया का ये सबसे बड़ा साइकियाट्री OPD है। रोजाना 6 दिन हम 1200 मरीज साइकियाट्री के देखते हैं। हम सबको एक बार फिर डॉक्टर साहब को बधाई देने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए और बधाई देने चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, जहाँ सबसे ज़्यादा OPD में मरीज देखे जाते हैं। एक कितनी बड़ी उपलब्धि है, उस संस्थान के निदेशक आपको बता रहे हैं कि बीमारी से आप कैसे निजात पा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, तो सुनते रहें डॉक्टर साहब की बात बड़े ध्यान से, क्योंकि ये बड़े काम की बात है। हर परिवार में, हर घर में कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं रहती हैं जो छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े झगड़े होते हैं, वो दिमाग की ही बीमारी होती है। तो डॉक्टर साहब, इन सबसे निजात पाने के लिए आपने यहाँ अब नई उपलब्धियों के लिए क्या सोचा? सबसे पहली बात यह है कि हम बहुत सारा अपना समय और शक्ति बिताते हैं, न सिर्फ अस्पताल में काम करके लेकिन समुदाय में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में जाके जागरूकता बढ़ाने के लिए जी।
तो साल भर में और मार्च और अक्टूबर में जो खास सप्ताह होते हैं एक, तो जैसे आपने अच्छी बात कही कि मानसिक रोगों के बारे में जागरूकता कम है, स्टिग्मा और कुंठा बहुत है, तिरस्कार और नेगेटिव एटीट्यूड बहुत है। जैसे ये थोड़ा सा घटना आ जाती है कि इस आदमी को पागलपन का दौरा, तो हर आदमी उससे बचाव, उसके परिवार के, वो तिरस्कृत व्यक्ति हो जाता है, इसलिए वो और ज्यादा बीमार हो जाता है, और ये कतई नहीं होना चाहिए। तो हमारा कोशिश, हमारे प्रयास हमेशा ये रहा है कि आम जनता तक वो बात पहुंचा सके जो आप कह रहे हो। इस संदर्भ में एक मुद्दा महत्व का ये है कि आम जनता तक ये बात पहुंचे जो मैं कह रहा था कि दाखिला कतई जरूरी नहीं है। व्यक्ति विशेष को जिसको बीमारी है या परिवार को ये डर नहीं रखना चाहिए कि अगर वहां गए तो दाखिल कर देंगे जी। है ना, दाखिला कतई जरूरी नहीं है। 100 में से 99 मरीज अपना जीवन जारी रखें, ओपीडी में आते रहें, इलाज करवाएं और अपना जीवन बेहतर बनाएं। ये एक बात है। न्यूरोलॉजी का जो हमारा है, दिमाग की बीमारी का सेक्शन, वो भी बहुत अच्छा है। उन साथियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। 800 मरीज न्यूरोलॉजी के रोज देखे जाते हैं, तो सिर्फ दो स्पेशलिटी मिलके 2,000 से 2,500 मरीज रोजाना, जो बहुत सारे जनरल हॉस्पिटल में नहीं होते। लेकिन बार बार कहूँगा, हमें संतोष इस बात का है, सबको, मुझे निजी सिर्फ नहीं, सबको, कि इतनी क्वांटिटी के साथ हम क्वालिटी एश्योर कर पा रहे हैं। तो गरीब से गरीब जनता जो आती है, जिनको शायद अपने हक का एहसास भी नहीं है, भर्ती हो जाऊंगा, मुझे दवा मिल जाएगी, वो भी यहाँ से संतुष्ट होके जाने का प्रयास उसका रहता है। और हमारा प्रयास रहता है कि वो संतुष्ट होके जाए। सबसे बड़ी बात फलसफे के रूप में कहें तो ये होता है, किसी भी अच्छी लोकशाही में, किसी भी अच्छी सेवा के लिए, जिस व्यक्ति को अपने हक का एहसास भी ना हो, उसे अपने हक के मुताबिक सेवा मिले। जो हक के लिए लड़े और उसको मिले, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो गरीब से गरीब त्रस्त पीड़ित व्यक्ति आता है, उसे अपनी हक का पूरा हक सेवा मिलनी चाहिए। तो हम लोग लगे हुए हैं, 5-10 अलग अलग तरीके हैं। चौथा मुद्दा ये है कि मानसिक रोगों का इलाज मोटे तौर पे दुनिया भर में और भारतवर्ष में अभी भी होता है सिर्फ दवाइयों से। दवाइयों ने बहुत विकास हो गया है, आज मानसिक रोगों की का इलाज संभव है बहुत कम साइड इफेक्ट से, सेफ्टी के साथ। लेकिन फिर भी सिर्फ दवाई हमेशा अधूरा असर करेगी। मानसिक बीमारी के लिए खासकर, हर किसी बीमारी के लिए, शारीरिक भी हो, लेकिन मानसिक बीमारी के लिए शारीरिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ मानसिक और सामाजिक मदद चाहिए। तो अंग्रेजी में जो कहा जाता है बायोसाइकोसोशल, है ना, तो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथी हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्क के साथी हैं। तो एक जो मानसिक स्वास्थ्य की टीम होती है, उसमें तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ साइकेट्रिस्ट अकेला नहीं। साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक सोशल वर्कर। तो इबास अगेन बहुत कम संस्थान है, मोटे तौर पर सिर्फ निमास, बेंगलोर और हर्म, और रांची और तेजपुर में, थोड़े आगरा में होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ सर्विस। मसलन अगर मुझे डिप्रेशन है और मैं इलाज के लिए जाता हूँ, तो सिर्फ दवाई से मेरे डिप्रेशन के सिम्टम ठीक कर दिए जाएं, ये काफ़ी नहीं है। डिप्रेशन के जो मानसिक अनुभव या पहलू हैं मेरे मन में, उनका भी हल हो, जो भी पारिवारिक या सामाजिक मसले हैं सही या मेरे इमेजिन किए हुए, उनका भी हल हो जी। तो इस प्रकार से होता है इलाज, कोशिश इबास में। और मुद्दा बड़ा ये है कि जैसे हमने कहा, अक्सर जो दिमाग की बीमारियां हैं, मिर्गी की बीमारी हो, स्ट्रोक हो, डिमेंशिया, पार्किंसंस हो, उसमें मानसिक असर हो सकते हैं। जो मानसिक बीमारी होती है उसका ब्रेन में मूलभूत कारण हो जी। तो न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री के, और न्यूरोलॉजी और मेंटल हेल्थ के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के मरीज को जॉइंट सर्विस बेटर दे सके, ये कोशिश है। पाँचवा मुद्दा जो मुझे बड़ा संतोष है, आपने आते जाते हुए देखा होगा, ग्रीन है कैंपस, न सिर्फ देखने में ग्रीन है, लेकिन ये भी हमें संतोष है कि बहुत मेहनत करके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी दिल्ली और एनसीआर में इतना फैला हुआ है, पुअर है क्वालिटी इंडेक्स, जो सीपीसीबी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड है, उनका एक मॉनिटर यहाँ भी लगा हुआ है, जैसे 25-30 पूरे दिल्ली में लगा हुआ है, एक ही बस में लगा हुआ है। पिछले 2-3 महीने में पूरे दिल्ली में इबास को सबसे कम पॉल्यूटेड डिक्लेयर किया गया। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। संतोष है कि हमारे मानसिक रोग के मरीजों को, हमारे जो साथी हैं, स्टाफ, उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले, न सिर्फ देखने में ग्रीन, लेकिन सही में वातावरण सही हो।
डॉक्टर साहब, और जैसे आप अब नई संरचना में क्या बदलाव कर रहे हैं, क्या क्या मरीजों को नए उसमें आप देना चाहते हैं जो आपके साथ आए, तो उन्हें क्या क्या नया आप देने के प्रयास कर रहे हैं? हमारी कोशिश लगातार ये रही है कि नए से नए आयाम हो। मसलन हमने एक, आप देखिएगा जाते हुए, एक आफ्टर केयर होम शुरू किया। जो मानसिक रोगी इलाज से ठीक हो गए, रिकवर हो गए या रिकवरिंग है, उनका हक है वो खुले समाज में रह सकें। जैसे मैंने कहा, पुराने वक्त में उनको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता था, वो इच्छनीय नहीं है। तकलीफ ये है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लोगों का मन और तैयारी कम है ऐसे रोगियों की देखभाल करने में। सरकार की तरफ से जो आफ्टर केयर होम्स होने चाहिए वो है नहीं। तो समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, हाईकोर्ट के, हम सब के बहुत सारी वार्तालाप चलता रहा 8-10 साल से। इतना जरूर कहूँगा कि समाज कल्याण विभाग ने भी कुछ दूरंदेशी नहीं दिखाई ये आफ्टर केयर होम बनाने में। तो हाईकोर्ट के कहने पर और दिल्ली सरकार की मदद से हमने देश का मानसिक रोगों के अस्पताल का पहला ऐसा आफ्टर केयर होम हमारे रेसिडेंशियल कैंपस में बनवाया। तो जो 40-45 मरीज हमारे पास थे जो लंबे अरसे से यहाँ रह रहे थे, उनको अब अस्पताल से घर जैसा माहौल मिला। उसका नाम हमने रखा है सक्षम। तो दिल्ली में, उत्तर भारत में और देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि एक उदाहरण यहाँ पैदा हो गया कि हम इन मरीजों का भी हक उनको दे सकें। उससे ज़्यादा जो हम लोग कुछ हद तक कर पाए हैं, अब अगले हफ्ते और कोशिश है राष्ट्रीय स्तर पर करने की। हम सब जानते हैं, समझते हैं, अगर कि याद करें, गौर करें, किसी भी महानगर में, शहर में हम देखते हैं बेघर लोग जो पटरी पर रहते हैं, और बेघर लोगों में जो मानसिक रोगी है, सड़क पर जो रात को नंगे हैं, जिनके वस्त्र नहीं है, वो घूम रहे हैं, उन्हें डांट देते हैं लोग, कोई गर्म पानी डाल देता है, वो किसी के दुकान के सामने सो गया तो गर्म पानी डाल के उसे उठा। उस व्यक्ति ने शायद, हम तो अक्सर 20 साल से उस पे लगे हुए हैं, सन 2000 से जामा मस्जिद एरिया में एनजीओ के साथ। ये जो मानसिक रोगी बेघर है, उसे अपनी सुध है नहीं, महिला या पुरुष, तो उस व्यक्ति ने शायद, हम जब देखते हैं, 6 महीने से नहाया नहीं, 2-3-4 हफ्ते से खाना नहीं खाया, मतलब सब ह्यूमन कंडीशन जिसको कहें, मानव से भी नीचे। उनके लिए हमारी कोशिश रही है जामा मस्जिद एरिया में सन 2000 से। तो ऐसे मानसिक रोगी जो, उनको कानूनी सही प्रक्रिया करके वहाँ मोबाइल कोर्ट लगवा के मजिस्ट्रेट के द्वारा हम उनको इलाज के लिए यहाँ ले आते हैं। एक मोबाइल यूनिट है। तो आगे से आप या आपके कोई भी साथी अगर किसी मानसिक रोगी को किसी सड़क पर देखें तो हमें बताएं, 3-4 दिन लगेंगे क्योंकि उसकी प्रक्रिया लंबी चौड़ी है। नैतिक रूप से, कानूनी रूप से सही काम होना चाहिए। हम में से किसी को हक नहीं पहुँचता कि हम किसी को उठा के ले आएँ, अच्छे इरादे में भी। लेकिन हमारा मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट जो है, जो एम्बुलेंस, डॉक्टर और नर्स के साथ है, वो जाके उन मरीजों को रेस्क्यू करके अस्पताल में ले आता है। और ये देश भर में पहला प्रयास है। दिल्ली की जनता को, अभी सिर्फ 2 यूनिट हैं, एम्बुलेंस हैं। मुझे खेद है, दुख है कि ये अपस्केल नहीं हो पा रहा है। सरकारी क्षेत्र में कुछ मुश्किल होती है, जो आपने चुनौतियाँ कही उनमें से एक ये है कि सरकारी सिस्टम चाहते हुए भी, कुछ ऑफिसर्स अच्छे हैं, समझते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रोग्राम को बढ़ावा आसानी से नहीं दे पाते हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि जल्दी से दिल्ली में ये स्थिति होनी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 मोबाइल यूनिट लगे हों, तो जिससे ये जो घूमने वाले हैं या जो लावारिस हैं, इनको उनको इलाज में लाया जाए। इससे बेहतर मानवता का काम हो नहीं सकता, मुझे लगता है। क्योंकि वो जो मानसिक रोगी है, जो या तो इसका परिवार है ही नहीं या परिवार ने निकाल दिया है, तो वो अपनी बेबसी में, अपनी लाचारी में सड़कों पर घूम रहा है। तो सर, एक चीज़ इस पे पूछेंगे मैं, क्या आप दिल्ली में ही करेंगे? जैसे दिल्ली NCR में, नोएडा है, गाजियाबाद है, अगर यहाँ भी कोई हमें दिखाई देता है तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? यहाँ एक समस्या है, कानूनी समस्या ये है कि जो मानसिक स्वास्थ्य के कानून है, पुराना था 1987 का, अभी 2017 में नया आया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उसके तहत ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ भी स्टेट स्पेसिफिक हो जाती है। तो ये जो NCR की यूनिक पोजीशन है, उसमें हमारी लाचारी हो जाती है। कानूनी रूप से हमें हक नहीं बनता है कि हम गाजियाबाद या फरीदाबाद में जाके ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें, लेकिन कोशिश हमारी ये है, जो मैं कहने लगा था, अगले हफ्ते 5 और 6 जनवरी को हम सुप्रीम कोर्ट की जो एजेंसी है NALSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनसे और इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी से मिलकर इबास से हम कर रहे हैं एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 2 दिन की। वहाँ सिर्फ थीम ये है कि ये जो बेघर मानसिक रोगी है, हर शहर में, हर कस्बे में, गांव में, उन तक इलाज कैसे पहुंचाया जाए, कुछ
कुछ राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गुजरात, दिल्ली, यहाँ कुछ प्रयोग ऑलरेडी चल रहे हैं अलग अलग प्रकार के। जो हमारा एम्बुलेंस है वो विरल है, लेकिन एक या दूसरे प्रकार की प्रयत्न कोशिश चल रही है। तो हम ये कर रहे हैं अगले हफ्ते कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की मौजूदगी में, उनकी राहबरी में, उनकी निगरानी में हम उन सारे अनुभवों को एक साथ कर पाएँ और फिर भारत सरकार से ये कह पाएँ कि ऐसा प्रोग्राम देश भर में चलाया जाए। सर एक चीज, आप स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो जिसको समाज पहले पागलपन कहता था, हम उसको बिल्कुल नहीं मुनासिब समझते, शब्द प्रयोग को या सोच ऐसी हो, लेकिन हम जनता को ये कहना चाहेंगे कि पागलपन जिसको समाज समझता था उस सोच को बदलें, उन व्यक्तियों को मानसिक रोगी के रूप में पहचानें, ये समझें कि उस व्यक्ति को मदद की और सहानुभूति की ज़रूरत है, वैज्ञानिक रूप से, डॉक्टरी रूप से इलाज संभव है, चाहे इबास में हो, चाहे और किसी सरकारी अस्पताल में हो, चाहे प्राइवेट में अगर पैसा है तो व्यक्ति जाए, लेकिन हर मानसिक रोगी को इलाज मिले ये उसका पहला हक है। सबसे ज़्यादा हक है उन मानसिक रोगियों का जो सड़क पर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर निमेश जी देसाई, जिन्होंने दिमाग की बीमारी को लेकर सभी सवालों का जवाब बड़ा बेबाकी से दिया, जनता को अपनी बात बताई और कहा ये कोई बीमारी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है अगर किसी को दिल्ली इलाके में कोई पागल व्यक्ति या कोई दिमाग से बीमार व्यक्ति सड़क पर नंगा घूमता दिखाई देता है तो ज़रूर सूचित करें और उसे डॉक्टर साहब अपने पास बुलाकर इलाज जरूर कराएंगे और उसे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। नमस्कार, आज की मुलाकात में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द किसी नए मेहमान के साथ।